bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim, Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be doing well. Okay, today we are gonna be starting um, the exercise of first chapter: the simplicity and humility of Hazrat Muhammad. So let's start it. First is comprehension. Answer the following questions. Number one: What is meant by simplicity and humility? Adzi or sadgi. Uh, simplicity sadgi, and humility adzi. सादगी और आजजी सी क्या मतलब है या सादगी और आजी का क्या मतलब है सेम सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सिंप्लिसिटी मीन्स टू लीड अ सिंपल लाइफ सिंप्लिसिटी मीन्स टू लीड लीड मीन्स गुजारना अ सिंपल लाइफ इट इज़ द अपोजिट ऑफ अ शुई लाइफ इट इज़ द अपोजिट ऑफ और शोवी लाइफ मतलब जो शोवी लाइफ है जिसमें शो ऑफ लोग करते हैं इसकी अपोजिट है से सिम्प्लिसिटी क्या है आ, ये एक मतलब सिंपल लाइफ गुजारना है और ये शोवी लाइफ की अपोजिट है ह्यूमिलिटी मीन्स हैविंग लो व्यू ऑफ वन्स इम्पोर्टेंस मतलब आ, किसी कोई जो है अपने आप के बारे में अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में लो व्यू रखे कि मैं जो है दूसरों से बढ़तर नहीं हूँ um, से इट इज़ द लैक ऑफ प्राइड एंड Uh, it is the lack of pride and the state of being humble. See, matlab lack, L-A-C-K, lack, naa hona. Lack of pride, pride matlab gharur ka and the state of being humble or aajaz hona, matlab Ajas reyna. Toh kya ansal hai? Simplicity means to lead a simple life. It is the opposite of a showy life. Humility means having low view of one's importance. It is the lack of pride and the state of being humble. हजरत मोहम्मद इन द लाइट ऑफ दैट यू हैव रेड बयान करना इन सेंटेंसेस चंद में चंद जुमलों में द लाइफ स्टाइल ऑफ हजरत मोहम्मद इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड जो टेक्स्ट आप लोगों ने जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा है उसकी रोशनी में हुई सल्म की तर्जी जिंदगी के बारे में सेंटेंसेस में मतलब वो बयान करे सही सलम का लाइफ स्टाइल मतलब जो आप लोगों ने इस लेसन में पढ़ा उसको चंद सेंटेंसेस में आप लोगों ने बयान करना है ओके सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द लाइफ स्टाइल ऑफ हजरत मोहम्मद सिंपल एंड हम्बल द लाइफ स्टाइल ऑफ हजरत मोहम्मद सिंपल एंड हम्बल ही ऑलवेज एट सिंपल फूड एंड वॉर सिंपल क्लॉथ्स ही नेवर सॉट सीख का सेकेंड फॉर्म है सॉट एस ओ यू जी एच डी सॉट ही नेवर सॉट प्रमिन प्लेस इन गैदरिंग ही नेवर सॉट प्रमिन प्लेस इन अ गैदरिंग द मैट्रस ऑन विच रसूल स्लैप्टज मेड ऑफ लेदर लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेड ट्री जिस आप लोगों ने पढ़ा था न uh, कि वो उस टाइम पर बेड uh, सोते या लेटते जो डेड um, ट्री के फाइबर से बना हुआ था स्टफ किया गया था और लेदर से बना था See, the lifestyle of Hazrat Mawas was simple and humble. He always ate simple food and wore simple clothes. The mattress on which the Rasul slept was made of leather stuffed with the fiber of dead tree. See, first uh, page per B is answer him. Okay, next question is How can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? सिम्प्लिसिटी इन ह्यूमिलिटी अच्छा डू अवे विद इज़ अ फ्रेज़ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि ख़त्म करना वाइप आउट करना किस तरह ह्यूमिलिटी और सिम्प्लिसटी एक्स्ट्रावेगेंस फजूल खर्च uh, फजूल खर्ची दोनों वेस्ट एंड एक्स्ट्रावेगेंस दिस आई मीनिंग फ़जूल खर्ची की कल्चर काफ़त को किस तरह ह्यूमिलिटी और सादगी ख़त्म कर सकती है मतलब सादगी और ह्यूमिलिटी किस तरह एक्स्ट्रावेगेंस को ख़त्म कर सकती है so uh, the answer is by adopting adopting mean apnana, the qualities of simplicity and humility we can eradicate the culture of extravagance and waste by adopting the qualities of simplicity and humility we can easily yeah we can eradicate matlab, khatam karna, the culture of extravagance and waste um, waste of money and uh, display of wealth results in so many difficulties and problems matlab, um, पैसे के ज़िया और वेल्थ का शो करना डिस्प्ले करना मतलब उसकी नुमाइश करना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स की बाइस वो बनती हैं सही बाय हैविंग सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी वी कैन गेट रिड ऑफ सच थिंग्स से क्वालिटीज मेक लाइफ ऑफ अ मैन ईजी एंड सिंपल क्या आएगा कि आ, ये क्वालिटीज़ जो हैं सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटीज की क्वालिटी को अपना कर हम आ, कल एक्स्ट्रावेगेंस और वेस्ट की कल्चर को ईजीली इराडिकेट कर सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं और आ, हम पैसे के अजियाँ और आ, मतलब Uh, क्या है और उसका शो उसका नुमाइश करना जो है उस वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स का बायस बनती है तो अगर हम सिम्पलिसिटी और uh, हम ह्यूमिलिटी हम में होंगी तो हम इस uh, इन चीज़ों से गेट रेड मतलब छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ये क्वालिटीज़ जो है एक इंसान की ज़िंदगी को ईजी और सिंपल uh, बना देती हैं सही बाई अडोप्टिंग द क्वालिटीज़ ऑफ सिम्प्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी वी कैन इराडिकेट द कल्चर ऑफ एक्सट्राविगेंस एंड वेस्ट waste of money and display of wealth results in so many difficulties and problems by having simplicity and humility we can get rid of these things or such things uh, these qualities make uh, the life of a man simple and easy okay, okay next question is um, read the last paragraph of the lesson simplicity and िटी ऑफ हज़रत महम्म कम्प्रीहशन एंड राइट डाउन द मेन आइडिया क्या है एंड सपोर्टिंग डिटेल ऑफ पेराग्राफ अच्छा आप लोगों ने लास्ट पैराग्राफ की इस लेसन की लास्ट पैराग्राफ को रीड करना है विथ uh, कम्प्रीहशन मतलब अंडरस्टेंडिंग के साथ समझने के साथ और उसमें उसका मेन आइडिया आप लोगों ने लिखना है तो यहाँ पर जो है दिस इज द लास्ट पैराग्राफ सही आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें क्या है कि युजुसम की मतलब आ, ये जो सारी क्वालिटी दो क्वालिटीज़ के बारे में हमने जो सब कुछ पढ़ा इनको अपना कर हम जो है किस तरह माशर्ती बुराई को ख़त्म कर सकते हैं जैसे कि ओस्टंटेंश ऑस्टन्टेशन है नुमाइश नमूद नुमाइश हार्टनेस मतलब तकबर और गुरू और ये एरोग प्राइड ये सारी चीज़ें जो है हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं सही क्या है सो द आंसर वुड बी इफ़ यू फॉलो द लाइफ स्टाइल ऑफ हज़रत मोहम्मद वी विल बी एबल टू अरेडिकेट दोशल इवेंट्स लाइक ओस्टेंटेशन हॉटिनेस एरोग एंड प्राइड वी शुड बी सिंपल एंड हम्बल एफ यू मेक सिम्पलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी अ पार्ट ऑफ अर लाइफ वी शेल बिकम सक्सेसफुल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी सही हम जो है सोसाइटी की एक सक्सेसफुल मेम्बर्स बन सकते हैं अगर हम जो है ये ह्यूमिलिटी और सिम्पलिसिटी को पार्ट ऑफ लाइफ अपना बनाएं If we follow the lifestyle of Hazrat Muhammad we will be able to eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance, and pride. We should, be, we should be simple and humble. If we make simplicity and humility a part of our life, we shall become successful members of society. See? नाउ द लास्ट क्वेश्चन हाउ डिड हज़रत मोम्मीट हज़ फॉस्टर सिस्टर उनकी जो मुँह बोली बहन थी हज़रत शीमा रज़ान हज़रत महम्म उनके साथ किस तरह सलूक करते आप लोगों ने यहाँ पर लास्ट में पढ़ा था यहाँ सॉरी लास्ट तो नहीं है यहाँ इस यहाँ पर पढ़ा था आप लोगों ने कि किस तरह वो सलूक करते जब भी वो आपके पास आते आपके लिए कड़े होते और उनके लिए अपना शीट अपना चादर जो है वो बिछाते तो आंसर किस तरह आएगा हज़रत मोहम्मद रिस्पेक्टेड हिज़ फोस्टर सिस्टर वेरी मच ही वुड ट्रीट हर लाइक हिज़ ओन सिस्टर वैन एवर शी कैम टू मीट हिम सल्सम वुड स्टैंड अप टू रिसीव हर एंड वुड स्प्रेड हिज़ ओन शीट फॉर हर सी आंसर इस तरह आएगा कि हज़रत मोहम्मद रिस्पेक्टेड हिज फर्स्टर सिस्टर वेरी मच he would treat her as his own sister whenever she uh, came to uh, meet him he would stand up to receive her and would spread his own sheet for her see okay now choose the correct option uh, for the following statements the mattress on which hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam slept was made of leather stuffed with the fiber of dead tree this shows that ये लाइन जो है कि हजरत हज़ो लेदर की मतलब चटाई पर सोती जो डेड ट्री की खजूर की दरख्त की फाइबर सी स्टफ़ थी तो इसका क्या मतलब ये क्या शो करता है यहाँ पर ऑप्शन है द तो करेक्ट ऑप्शन इज लेड अ सिंपल लाइफ लीड का सेकंड फॉर्म है लेड मतलब गुजारना इसका मतलब ये है कि सलम सादा जिंदगी गुजारती थी सेकंड वन द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लोमेंट इज एफ्लोमेंट मीन्स अमीर तो इसका अपोजिट मतलब मुतजाद तो इसका मतजाद क्या आएगा अगर अमीर है तो उसका ऑबियसली पुअर आएगा सी सो द राइट ऑप्शन इज़ पुअर डी थर्ड वन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हज़रत मोहम्मद एंड हज़रत फ़ातमा रजदान ग्रीटिड ईच अदर डैश वे जिससे नाम ने पढ़ा था कि हज़रत आयशा रजदान ने बयान किया है कि दोनों मैनर्स और uh, ग्रीटिंग सब कुछ में जो है uh, बहुत ज़्यादा वो एक uh, मुशाबहत रखती थी तो यहाँ पर इन द सेम आ, मतलब ए ऑप्शन सही आएगा सही टेक्स्ट के मुताबिक हजरत मोहम्मद और हजरत फातमा रजदान एक दूसरे से एक जैसी मतलब मिलते आ, ओके नेक्स्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू तो एम्पावरिस्ड इज एम्पावर मीन गरीब पैसा पैसे, पैसे का ना होना मतलब गरीब होना तो इसका क्लोजेस्ट नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्लोजेस्ट मीनिंग एम्पावरस्ड का क्या है सो इट इज ए विदाउट मनी मतलब एम्पावरिश्ड का सही जो क्लोजस्ट मीनिंग है यहाँ पर जो वर्ड है वो है विदाउट मनी ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन हजरत मोहम्मद यूज टू मिल्क हिज गॉड दिस शोज डेट टेक्स्ट uh, के मुताबिक मतलब लेसन के मुताबिक हज़रत मोहम्मद वसल्लम बकरियों का ना बकरी का दूध दोहते तो ये क्या शो करता है क्या जाहिर करता है सो द राइट ऑप्शन है सी ह्यूमिनिटी वाज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रसूल वसल्लम करेक्टर आजी उनकी किरदार का अहम मतलब हिस्सा थी सी ओके नाउ ग्रामर ग्रामा में क्या है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस अच्छा यहाँ पर जो है अगर आप लोग देखें तो नाउन की डिफरेंट काइंड हैं आप लोगों ने पढ़े हैं लोअर क्लासेस में कि नाउन uh, क्या होता है नेमिंग वर्ड और इसके पे डिफ़रेंट काइंडस काउंटेबल अनकाउंटेबल एब्सट्रैक्ट कंक्रीट और uh, बहुत सारे जो है मटीरियल नाउन वगैरह तो यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है सक्सेस एज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस अच्छा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी आ जाती है उसमें एक्शन और स्टेट आ जाता है तो यहाँ पर सक्सेस अगर आप लोग देखें तो ये क्वालिटी है तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी नहीं है अनकाउंटेबल भी, भी नहीं है मटीरियल नाउन भी नहीं है मटीरियल तो आप लोग जानते हैं कि वो चीज़ मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं दे नेक्स्ट शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर चीनी जो है मतलब वो हम काउंट नहीं कर सकते तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन honey is an example of honey again जो है शहद वो हम count नहीं कर सकते तो ये भी uncountable noun है bravery is an example of जिस तरह success is a quality so bravery मतलब एक quality है एक खसूसियत है तो this is also abstract noun next is tables tables अगर मतलब वो हम count कर सकते हैं तो ये क्या आएगा countable noun ओके नाव राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउंस इन पैरेंथिस पैरेंथिस में आप लोगों के लिए नाउन दी गई हैं इनमें को आप लोगों ने क्या uh, करना है प्लूरल में कन्वर्ट करना है सही प्लूरल इनका लिखना है द फर्स्ट वन दीज अच्छा आप लोगों को जो है मतलब प्लूरल uh, किस तरह बनाए जाते हैं आप लोगों को रूल्स जो है लोगों ने पढ़े होंगे आप लोगों की जो लोअर क्लासेस हैं अगर फिर मैं आप लोग भूल गए हैं तो यहाँ मेरे पास एक बुक है जिसमें मतलब बहुत अच्छी तरह ये रूल्स दिए गए हैं आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें इनको अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ये अच्छी तरह देख लें दीज आर द रूल्स कि सिंगुलर नाउन अगर एंड हो एस एस एच सी एच, एच और एक्स तो हम ई एस उसकी प्लूर में आ, लगाते हैं अगर वाई पे एंड हो तो हम आई ई एस लगाते हैं एक बात ये भी है कि अगर वाई पे एंड हो लेकिन उससे पहले जो है वाई से पहले वावल हो जिस तरह की मन की वगैरह तो फिर हम जो है आ, एस सिर्फ एस लगाते ई एस नहीं लगाते फिर है और ई एस पर एंड हो या एस पर मीन सिंगुलर नाउंड एंड इन ओ एड एस और ई एस अच्छा अगर ओ पर एंड हो तो हम एस या ई एस लगाते जिस तरह मैंगो में हम ई एस लगाते पियानो में हम सिर्फ एस लगाते हैं लास्ट क्या है अगर एफ पर या एफ ई e पर ख़त्म हो तो हम एफ या एफ ई e को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं वी ई e, एस से यहाँ पर हैं जिस तरह लाइफ लाइव से और सम नाउन जो है वो इेगुलर प्लूरल्स होते हैं जिस तरह चाइल्ड का चिल्ड्रन है मैन का एम ई एन मैन है वामेन भी इस तरह है के नाउ कम डीज पर्सन डैश आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेजिडेंट तो पर्सन का प्लूरल क्या है पर्सन फिर नेक्स्ट है वामेन तो वामेन का आप लोग जानते हैं जिस अभी आपने पढ़ा कि ए रेगुलर प्लूरल आता है इसका एम ई एन आएगा चाइल्ड का चिल्ड्रन है स्टूडेंट Student का स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट इज फिश फ़िश का फ़िश भी आ सकता है और फिशेस भी आ सकता है फ़िश का टूरल दोनों आ सकते हैं फ़िश तभी आ सकता है जब एक काइंड की डिफरेंट मतलब एक काइंड की बहुत सारी फ़िश हो तो हम सिर्फ फिश कहेंगी अगर सपोज स्टार फिश हैं बहुत सारे हंड्रेड स्टार फिश हैं तो हम ये नहीं कहेंगे देर आर हंड्रेड स्टार हम कहेंगे देर आर हंड्रेड स्टार फिश लेकिन अगर डिफरेंट काइंड है वेल है डॉल्फिन है स्टार फिश हैं और जिस तरह मतलब डिफरेंट काइंड है तो फिर हम कहेंगे कि देर आर डिफ देर आर मैनी फिश से तो दोनों से ही आती हैं अच्छा ये नाइफ़ है और शेल्फ़ है नाइफ़ अभी जो हमने पढ़ा कि एफ़ और एफ ई पर ख़त्म हो तो हम वी ई एस में उसको चेंज करते हैं नाइफ्स और शेल्फ़ ओके नेक्स्ट इज़ पियानो अभी आप लोगों ने इस तरह पढ़ा कि जो ओ पर ख़त्म हो तो यहाँ हम ई एस लगाते हैं या एस लगाते हैं तो पियानो के साथ हम सिर्फ एस लगाते इसी यहाँ पर मैं नहीं लगाया लेकिन पियानोज़ आता है अगर नेक्स्ट इज़ फिनामिनन फ़िनन का फिननलन फेनामिन का फिनोमिना भी आता है फिनिनन फिनमिनाज भी आता है सही दोनों प्लुरल इसकी सही आते हैं ओके नेक्स्ट इज सम नाउन्स चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर एग्जाम्पल आर्म आर्म्स आर्म अ पार्ट ऑफ बॉडी आर्म्स वेपन्स यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस बिलोंग इन सेंटेंसिज टू शो डिफरेंस इन मीनिंग अच्छा कुछ नाउन्स इस तरह है जो प्लूरल में अगर उसको हम चेंज करें तो फिर उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है जिस तरह आर्म है वो पार्ट ऑफ बॉडी को कहते हैं लेकिन अगर हम इसको प्लूरल बनाएं आर्म्स बनाएं तो फिर इसकी मीनिंग आ जाती है कि वेपन्स हथियार तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स दी गई हैं आप लोगों की आ, का, का, आप लोगों को कहा गया है कि इन पर सेंटेंसेस बनाएं ताकि इनमें जो डिफरेंस है जो इन फ़र्क है वो वाज हो सही ओके गुड अच्छा गुड्स चीज़ें गुड्स अशिया चीजें वुड लकड़ी वुड्स वुड्स आप छोटे सी जंगल को कहते हैं स्मॉल फॉरेस्ट सही स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल कहते हैं एक नजारे को सही स्पेक्टेकुलर भी कहते हैं तो मतलब एक नजारा एक सीन सही स्पेक्टिकल्स uh, एनक स्पेक्स जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं करेक्टर और करेक्टर्स करेक्टर मीन अखलाक जो लोगों के अखलाक होते हैं बिहेवियर करेक्टर्स किरदार मतलब जिस तरह डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं ड्रामे में मैनर मैनर मीन तवर्ड तरीक़ों किस मैनर में ये काम हो है, किस तरीके से तरीक़ा मैनर्स रवैया जो लोगों की मैनर्स होते हैं रवैया मतलब बिहेवियर अच्छा फोर्स फोर्स मीन ताकत क़वत एंड फोर्सेज अगर फ्लूर में आ जाए तो फिर फौज या ओके नेक्स्ट इज द नाउन फ्रेजेज इन द फॉलो इज यू नो इज़ फ्रेज फ्रेज में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता और क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देता सी इसकी मीनिंग मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं होती उससे हम मतलब मीनिंग नहीं अखज कर सकते और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो नाउन फ्रेज़ क्या है क्लास नाइन की बुक में फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था कि नाउन uh, फ्रेज़ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मतलब फ्रेज़ है लेकिन जिसमें नाउन जो है मैन वर्ड हो तो यहाँ पर फर्स्ट इज़ ही विश टू टॉक टू हिज़ मैनेजर यहाँ पर है, manager, manager है, जो है टू हिज मैनेजर मैनेजर नाउन है टू हिज मैनेजर जो है नाउन फ्रेज आएगा सही सेकेंड वन द विकेट मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इन टू ट्रबल अगर आप लोग देखें तो मैन भी हैं और पुअर पीपल uh, भी जो हैं दो नाउन आए हैं तो यहाँ पर द विकेट मैन एक फ्रेज हो गया पुअर पीपल uh, दूसरा फ्रेज हो गया दो फ्रेजेज हैं थर्ड वन दुअर मैन वॉन्टेड टू पे बेक एवरी पैनी ही ऑफ द पुअर मैन मैन अगेन जो है मतलब नाउन है तो दुअर uh, मैन एक फ्रेज आ गया एवरी पैनी पैनी इज़ आल्सो नाउन सो एवरी पनी अ नाउन फ्रेज Fourth one, all the kids were sleeping all the kids kids man, noun hai, all the kids in noun phrase gaya. horses prefer living in dark stables in dark stables stable noun hai. in dark stables noun uh, phrase ho gaya. okay last one is complete each sentence with a properly formed noun clause. अच्छा ना वट इज़ क्लॉज देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट um, या सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और क्लॉज में जो है सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और डिफरेंट क्लाजिज होते हैं नाउन क्लॉज होता है एडजेक्टिवल क्लॉज होता है एडवर्बियल क्लॉज होता है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नाउन क्लॉज के बारे में है नाउन क्लॉज जो है नाउन की तरह एक क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो लेकिन वो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं इज अ नाउन मतलब यूज होता है और आप लोग इजिली पहचान सकते हो नाउन क्लॉज को ऐसे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं जो मतलब लाइक डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं जिस तरह विच वट एवर वन no, whenever, विच why, when, whether, वेदर हो सही और इसमें दैट और इफ़ भी आ सकता है तो इन वर्ड से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हुआ हो नाउन की तरह फंक्शन करता हूँ तो नाउन क्लॉज कहलाता है यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आ, एक और चीज़ अगर क्वेश्चन वाली इस तरह सेंटेंसेज हो तो उसमें जो है ऑगजिलरी या मॉडल वर्ड्स ऑगजिलरी वर्ड्स मतलब एस आर एम वाज वर्ड ये जो है एट्सेट्रा और मॉडल वर्ब्स लाइक कैन कुड वेल वुड शल शुड ये जो सारे हैं इन ये जो है सब्जेक्ट के बाद आते हैं सब्जेक्ट से पहले नहीं आते सब्जेक्ट के बाद आते हैं सेम सो फर्स्ट वन इज जमील सॉरी जमाल मी डैश वेयर वॉज हिज वॉलेट और वेर हिज वॉलेट वॉस तो कौन सा साइंस सही है जिसमें सब्जेक्ट के बाद जो है अगज वर्ड वॉज आया है तो वेर हेज़ वॉलेट वस दिस वन इज़ करेक्ट नेक्स्ट आई गुडेंट टिल हैम वेर वॉज आई या वेर आई वॉस तो यहाँ पर जो सही है सब्जेक्ट आई के बाद वॉज आया है सेकेंड वन वेर आई वॉस थर्ड वन आई डोंट नो हाओ मेनी चिल्ड्रन ही हैज़ और हाओ मेनी चिल्ड्रन डज़ ही हैव यहाँ पर जो है सेकेंड वन से आता है बी नंबर uh, यहाँ चिल्ड्रन के बारे में है तो डज ही हैव वाला ज़्यादा सी आता है सही वैसे हा मेनी चिल्ड्रन ही हैज़ इसलिए सही नहीं आता क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में है फोर्थ वन डेश इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ क्लोज वी आर या हाउ क्लोज आर वी अगेंज हैं मतलब आप लोगों ने देखना है कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑग्जिलरी वर्ड सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं या पहले अगर बाद में आए हों तो वो ज्यादा सही होते हैं फिफ्थ वन डैश वाज सेट वर्ड डिट शी से या वट्स वन का सेंस सही आता है वट्स वाज सेट सोल यू गॉट इट If there is still any confusion, any question, you can ask me in the comments below. Okay, take care. Love, face.